फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं और इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमारियों पर रोकथाम सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरुद्ध सुरक्षा मुहैया कराई। पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण का अभियान को शुभारंभ किया। इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरुआत है। भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, वित्त वर्ष 2020-2021 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस वित्त वर्ष 2021-2022 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। वहीं असम में सड़कों के लिए 35 करोड़ और देश में 5 बड़े फिशिंग हब, 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खुलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और नई नई खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।